हे राधे, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो विसर्जन से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। आप चाहे तो सुबह के समय गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति जी को अपने घर में 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए जो है ना लाया जाता है। अब जिस पर देखिए जैसी सेवा बन जाए उस हिसाब से जो है ना जितने दिन तक रखना चाहते हो उतने दिन तक गणपति जी को अपने घर में रखते हैं, उसके बाद जो है ना उनका विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके आसपास, घर के आसपास अगर कोई नदी है तो आप बहती हुई धारा में ही गणपति जी का विसर्जन कीजिए। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप घर पर भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे गणपति महाराज, आपकी सेवा में इतने दिनों तक जो भी कोई कमी पेशी रही हो उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्षमा करें। और वैसे तो ईश्वर सब जानते हैं, हर इंसान अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है ईश्वर की सेवा करने में। अगर भूल से भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उनसे क्षमा ज़रूर मांगिएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। जल आपको दूबा से ही चढ़ाना है, सब गणेश जी पर, गौरी जी पर, रिद्धि सिद्धि पर और कलश पर, सबका पूजन आपको साथ के साथ करना होगा। इसके बाद आप सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद अगर आपने गणपति जी को जनेऊ नहीं पहनाया है तो उन्हें जनेऊ आप ज़रूर पहनाएं। वैसे तो उनकी पूजा में आपको जनेऊ पहनाना ही पहनाना चाहिए था, अगर नहीं पहनाया है तो आखिरी दिन उन्हें जरूर पहनाएं। चंदन का, रोली का तिलक कर दें, साथ के साथ आपको रिद्धि सिद्धि का पूजन जरूर करना है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, विसर्जन में कभी भी गणेश जी पर विसर्जन के चावल नहीं छोड़े जाते, क्योंकि गणपति महाराज हमारे घर के विघ्नहर्ता होते हैं। हर पूजा से पहले सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है, तो गणपति जी को अपने घर से कभी विदा किया ही नहीं जाता। हम केवल जो पार्थिव मूर्ति अपने घर में लेकर आए हैं गणपति महाराज के रूप में, केवल उसका हमें विसर्जन करना होता है। बाकी गणपति जी तो हमारे घर में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो हमारे घर के विघ्न कौन है रहेगा। तो गणपति जी को कभी अपने घर से आपको ऐसी भावना ही नहीं करनी है कि हम अपने घर से गणपति जी को विदा कर रहे हैं। बस हम तो जो पार्थिव मूर्ति अपने घर में लेकर आए थे उसको अपने घर से विसर्जन के लिए देख, मतलब विसर्जन उसका कर रहे हैं, क्योंकि पार्थिव मूर्तियों को ज्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखा जाता। क्योंकि पार्थिव जो मूर्तियां होती हैं वो कुछ समय बाद जो है ना चटकने लगती हैं, टूटने फूटने लगती हैं, तो उनका दोष लगता है। इस वजह से एक निश्चित दिनों तक ही उनको अपने घर में रखा जाता है, बाकी बात जो है ना उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी आपने घर में मीठा बनाया है उसका भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो उनको अच्छे से बढ़िया खिला पिला कर पूरा स्वागत करके जो है ना उनको अपने घर भेजा जाता है। तो बस वही ध्यान रखना है। दुर्वा उन्हें जरूर चढ़ानी है। दुर्वा जो है ना गणपति जी को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, तो दुर्वा के 21 दुर्वा का पुंज बनाकर जो है ना चढ़ाया जाता है। अबरक, सिंदूर और हल्दी, ये सारी चीज़ें, और गुलाल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। खासकर सिंदूर गणपति जी पर अवश्य रूप से आपको चढ़ाना चाहिए, तो आपको ज़रूर चढ़ाना है। वैसे तो रोज़ ही आपको पूजा में चढ़ाना चाहिए था, अगर आपने नहीं चढ़ाया है तो लास्ट वाले दिन सिंदूर से उनके मस्तक पर आप तिलक ज़रूर कीजिए, क्योंकि गणपति जी पर सिंदूर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको एक डंडी वाला पान लेना है, मतलब भोग वाला पान इसे कहते हैं, तो उसके ऊपर आपको लौंग, इलायची रखना है और एक सिपाड़ी रखना है, और उसका भोग जो है ना आपको ज़रूर लगाना है मुख शुद्धि के लिए। लक्ष्मी जी की पूजा में, गणपति जी की पूजा में पान का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, तो पान आप ज़रूर चढ़ाइए, आखिरी वाले दिन तो ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद की जाती है गणपति जी की आरती, तो चलिए हम सब मिलकर करेंगे आज गणपति जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हाँ, आवाज आना अच्छी नहीं है लेकिन दिल किया कि आरती गाऊं, तो बस आप लोगों के साथ गा दी। आरती जरूर की जाती है जब आपको विसर्जन करना है, चाहे शाम के समय विसर्जन करें चाहे सुबह के समय विसर्जन करें, लेकिन विसर्जन के समय आरती आपको ज़रूर करनी है। आरती के बाद जल का अर्घ दिया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कलश को भी हिला देना है, चौकी को आपको हिला देना है,
है, गौरी गणेश को हिला देना है और गणेश जी को भी थोड़ा सा हिला देना है। हिलाया ज़रूर जाता है, ये विसर्जन की निशानी होती है, तो आपको सारी चौकी थोड़ी सी हिला देनी है। इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पर घर पर विसर्जन। हमेशा शुद्ध बर्तन में ही आपको विसर्जन करना है। जिस बर्तनों में आप नहाते हैं, मतलब नहाने की जो बाल्टी है या आप टब यूज़ करते हैं, उसमें आप विसर्जन ना करें। या तो आप कोई नया बर्तन लेकर आए, नहीं तो आपके जो किचन के बर्तन हैं, तो हमारी किचन में ही ये बाल्टी अक्सर आप लोग देखते रहते होंगे, इसमें मैं अपने खाने का जो पानी होता है वो मैं इसमें भरती हूँ, तो बस इसी में जो है ना मैं विसर्जन करूँगी, क्योंकि हमारे गणपति जी बहुत छोटे हैं तो ईजिली जो है ना बाल्टी में विसर्जन हो जाएंगे। नहीं तो आप नया बर्तन ला सकते हैं। बर्तन में आपको दूबा डालनी है, पुष्प डालनी है, रोली डालनी है, चावल डालने हैं, थोड़ी सिंदूर डालना है, हल्दी डालनी है, गुलाल डालना है, ये सारा सामान उसमें ज़रूर डाला जाता है। इसके बाद गणपति जी को पूरे सदस्यों सहित आपको विसर्जन किया जाता है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी गणपति जी से हाथ लगाएं, अकेले आप विसर्जन ना करें, आपके घर के बच्चे बुजुर्ग जितने भी सदस्य हैं सभी जो है ना हाथ लगाकर आपको विसर्जन करना है। मैं केवल यहाँ पर आपको विसर्जन करना दिखा रही हूँ, अभी तो देखिए हमारे यहाँ गणपति जी का विसर्जन नहीं हुआ है, अभी तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या है, देखिए इस तरह से आपको जो है ना 3 डुबकी गणपति जी को लगवाई जाती हैं, तो गणपति बब्बा मोरया इस तरह से आपको 3 डुबकी लगवानी है। ये देखिए दूसरी डुबकी है, बहुत जोर जोर से जो है ना, बच्चे तो बड़े खुश होते हैं वही गणपति जी की पूजा में, मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरी डुबकी में जो है ना गणपति जी को विसर्जन कर दिया जाता है, मतलब पानी के अंदर जो है ना उनको डुबो दिया जाता है। पानी अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। हमेशा जब भी आप गणपति जी लेकर आएं, मिट्टी के गणपति जी लेकर आएं, ताकि वो अच्छे से मिट्टी में घुल जाते हैं और इस पानी का अच्छे से हम प्रयोग कर सकते हैं। भोग प्रसादी आपने जो भी पूजा में चढ़ाई है इसे आप सभी लोगों में बांटें, अकेले ना खाएं, तो जितने भी आपके आस पड़ोस के सदस्य हैं ना सबको बांटना है। और हाँ, थोड़ा सा भोग आपको विसर्जन के पानी में भी ज़रूर छोड़ना है, इसमें आपको 1 रुपए का कॉइन भी ज़रूर छोड़ना है। दक्षिणा इसलिए डाली जाती है कि पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो, अक्सर होता है हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो दक्षिणा जो है ना उसकी कमी पेशी पूरी कर देती है, तो दक्षिणा आपको ज़रूर डालना है। पूजा में जो आपने लक्ष्मी जी गणेश जी रखे थे, यानी गौरी गणेश जी रखे थे, तो उनको जो है ना अपने यथा स्थान पर आपके घर के मंदिर में उनको विराजमान कर दीजिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा गणेश जी को कभी विसर्जन नहीं किया जाता, केवल गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति जो है ना विसर्जन की जाती है। गणेश जी तो हमारे घर में हमेशा रहते हैं। रिद्धि सिद्धि की जो हमने सिपाड़ी थी ना, इनको आप चाहें तो जल में डालकर इनका विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहें तो इन पर विसर्जन के चावल छोड़कर इन्हें पुनः जो है ना, आप कोई और पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसके रूप में भी जो है ना इनका आप पूजन कर सकते हैं। नारियल आप चाहें तो प्रसाद के रूप में फोड़कर खा सकते हैं, अगर आपके यहाँ खाया जाता है, आप चाहें तो नदी में विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बेस्ट उपाय मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अपने घर के मेन दरवाजे पर लाल कपड़े में बांध कर इसे टांग दीजिए, आपके घर को किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, ये एक विशेष उपाय है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश आपको उठाना है। तो चलिए मैं आपको कलश का भी प्रयोग बताऊंगी। सबसे पहले चावलों का आपको क्या करना है, जितने भी आपने चावल पूजा में यूज़ किए हैं सारे चावल को आप इकट्ठा कर लीजिए। आप चाहें तो इन चावलों को गाय को खिला सकते हैं। देखिए इतने चावलों से तो एक परिवार का भोजन भी नहीं होगा, या तो आप इसमें इतने चावल मिला दीजिए कि किसी एक परिवार का एक टाइम का ढंग से भोजन हो सके, तो इसमें कम से कम 2-3 कटोरी चावल मिला दीजिए, ताकि किसी को दान करने में भी अच्छा लगे कि हाँ किसी को आपने इतने चावल दान किए हैं, या इतना नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा करें इस चावलों को किसी गाय को खिला दे। किसी पक्षी यानी चिड़िया को कभी चावल नहीं खिलाए जाते, चिड़िया को अगर आप चावल खिलाते हैं तो उनका गर्भ नष्ट होता है और कहीं ना कहीं इससे आपको पाप लगता है, तो ये गलती आप कभी ना करें। कपड़ा जो आपने नीचे बिछाया है इसे आप दोबारा किसी और पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। पटे का क्या करना है, पटा आप अपने घर में रख सकते हैं, पटे को दान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल जो आपने कलश में रखा था उस जल को आपने पूरे घर में आपको छिड़कना होता है, तो पूरे घर में छिड़क दीजिए, लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में आपको छिड़कना है, ये जल बहुत अच्छा होता है। और खुशी खुशी पूरे परिवार के सहित आपको गणपति जी का विसर्जन करना है। गणपति जी को विसर्जन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो अपने साथ हमारे घर के सारे विघ्न ही हर ले जाएं।
तो गणपति जी का आशीर्वाद जो है ना घर में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस देखिए इस तरह से जो है ना पूरा विसर्जन किया जाता है। इस गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति है, 2-4 घंटे इनको मिट्टी को विसर्जन मतलब मिट्टी को पानी में मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 घंटे लग जाएंगे। तो जब तक इसको एक कपड़े से आप ढक दीजिए और 2-4 घंटे बाद इस पानी को आपके घर के आसपास या आपके घर में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पेड़ पौधों में आप इस पानी को डाल दीजिए। इस तरह से डालना है कि किसी के पैरों में पानी नहीं लगना चाहिए। जाना पानी है तो 2-4 दिनों के दिनों में डाल दीजिए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा पानी डालना होता है, थोड़ा रुक रुक कर डाल दीजिए। लेकिन पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना पूरा श्रद्धा वाला मामला होता है, भगवान की श्रद्धा है इसमें, तो आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये पानी जो है ना किसी के पैरों में नहीं लगे, इस तरह से आपको करना है। मिट्टी भी आप गमलों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब गणेश जी की जो पार्थिव मूर्ति है ये पूरी पानी में मिलेगी तो मिट्टी जो है ना नीचे इकट्ठी हो जाती है, इसे आप किसी गमले में डाल सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर दीपक जल रहा है तो दीपक को बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक को आप अपने घर में मंदिर में रख दीजिए, जब तक वो जल रहा है उसको जलने दीजिए। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।